इंद्री में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के सभागार में नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज निफा द्वारा 15वें वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक राम कुमार कश्यप ने कार्यक्रम में आई सभी माताओं एवं उपस्थित लोगों एवं आयोजकों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पहले हमारा समाज पुरुष प्रधान होने के कारण महिलाओं को बहुत अन्याय का सामना करना पड़ता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की और समाज में महिलाओं एवं बेटियों को मान सम्मान देने के लिए विशेष कदम उठाए और विशेष रूप से प्रदेश में घटते लिंगानुपात में सुधार करने के भी प्रयास किए। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कर बेटियों एवं महिलाओं को सम्मान दिया। इस प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से प्रदेश का लिंग अनुपात बढ़कर 1000 लड़कों के प्रति 930 लड़कियों का हो गया है और आगे भी लड़कियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। समाज में फैली भ्रूण हत्या जैसी बुराई कम होती नजर आ रही है और जल्दी ही समाज में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात बराबर हो जाएगा। विधायक ने सभी माता पिताओं से अपील की है कि वे बेटियों के स्वास्थ्य शिक्षा की ओर अवश्य ध्यान दें। जब बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगी तो वे अवश्य ही प्रदेश व देश के नव निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकेंगी। आज महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं से अनुरोध किया कि वे अपनी इन छोटी लड़कियों को जन्म के दिन अवसर पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ों के कारण हमारा वातावरण साफ रहता है और हमें शुद्ध हवा मिलती है जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचे रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज बरसात के कारण कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई है जिसका असर फसलों पर पड़ा है। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में निफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि हमें महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। कार्यक्रम में सबसे कम उम्र की लड़कियों, स्वास्थ्य लड़कियों एवं अच्छी ड्रेस वाली लड़कियों सहित अन्य छोटी बच्चियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इंद्री से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बेटी के नाम कार्यक्रम आज जो यहाँ इंद्री में आयोजित किया गया है, ये 2006 में हमने शुरू किया था। पहली बार 2006 में मनाया गया था। 117 बच्चियों के पेरेंट्स आके आए थे अपनी बच्चियों की लोहड़ी मनाने के लिए। पर हमें खुशी है कि 2006 से लेकर अब तक हम 4 लाख से ज़्यादा बच्चियों की सामूहिक लोहड़ी सेलिब्रेशन कर चुके हैं। ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य है, जो समाज में एक रूढ़िवादी परंपरा थी कि लोहड़ी मनाई जाती थी लेकिन केवल बेटों के जन्म पर। जिन परिवारों में बेटे जन्म लेते थे वो लोहड़ी त्यौहार मनाते थे, लेकिन जब बेटियां जन्म लेती थी तो इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाता था। तो हमने 2006 में पहली बार ये परंपरा शुरू की थी कि नहीं, बेटियों के जन्म पर भी लोहड़ी मनाई जानी चाहिए। तो पेरेंट्स को उत्साहित करने के लिए उसे सामूहिक रूप से मनाया जाने लगा। ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ कि समाज की जो रूढ़िवादी परंपरा थी अब बदल रही है। अब लोग अपने आप आगे आ रहे हैं अपने घर पे अपनी बेटियों की लोहड़ी का त्यौहार मनाने के लिए। जो हरियाणा का बिल्कुल ठेठ एरिया है रोहतक झज्जर सोनीपत, वहाँ कुआं पूजन की परंपरा है जो केवल बेटों के जन्म पर की जाती थी, लेकिन अब बेटियों के जन्म पर भी कुआं पूजन होने लग गया है। थाली बजाकर बेटियों के जन्म पर भी अब खुशी मनाई जाने लग गई है। तो मैं समझता हूँ आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बेटा और बेटी एक समान है। जो सोच जो है कहीं बेटे को बड़ा दिखाती है और बेटी को छोटा दिखाती है, उस सोच को ख़त्म किया जाए। और हमें खुशी है कि निफा का आयोजन 2006 से लेकर आज तक हर साल सफलता से चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और हरियाणा सरकार के भी जो प्रयास चल रहे हैं, ये सारे मिले जुले प्रयास सरकार के और सामाजिक संस्थाओं के, जिसकी वजह से जो लिंग अनुपात है उसमें बहुत इजाफा हुआ है हरियाणा के अंदर। ये कलंक था हरियाणा के माथे पर कि हमारी बेटियां स्पोर्ट्स में, खेलों में, सौंदर्य में, फिल्मों में, हर जगत में एक्सेल कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ बेटियों को गर्भ में मारा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि वो कलंक अब मिटना शुरू हो गया है और आने वाले समय में हरियाणा की बेटियाँ प्रदेश का नाम और देश का नाम और ज़्यादा रोशन करेंगे। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है मेरा कि अगर आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो उसे बोझ ना समझें। इस सोच को बदलें कि केवल बेटे ही आपके वंश की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, उसको हम मिलकर आगे बढ़ाएं और बेटे और बेटी को एक समान समझें। ये जो हम 900 से पार जा चुके हैं, 833 से शुरू हुआ था आंकड़ा, फिर 875 पर पहुंचा और 933 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ये 1000 के बराबर 1000 लड़कियां हों, यही संदेश है कि हम लोग लोहड़ी के त्यौहार को, जिनके घरों में भी बेटियों ने जन्म लिया है वो अपने घर पे जाकर आज छोटा सा जरूर मनाएं, चाहे अपने घर के लोगों के बीच में मनाएं लेकिन बेटी के जन्म की खुशी को जरूर मनाएं, यही मेरा संदेश। निफा जो एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, जो लड़कियों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए, महिलाओं को मान सम्मान बढ़ाने के
समाज में से त्रुटियां दूर करने के लिए अच्छा काम कर रही है। आज लोहड़ी का त्यौहार है, इस शुभ अवसर पर आप सभी देख रहे हैं इन्होंने एक संस्था ने जो है आज लोहड़ी बेटियों के नाम आज जो है लोहड़ी आज ये सैकड़ों की संख्या में बेटियाँ अपनी माताओं के साथ ही आज भी तो यहाँ पर सभी मिलकर हम सभी ने मिलकर के आज लोहड़ी का त्यौहार इनके साथ मनाया। क्या होता था हमारे समाज में क्या था कि ये कुरीति थी, जब लड़का पैदा होता था उसकी लोहड़ी तो मनाते थे परंतु जब लड़की पैदा होती थी लोहड़ी नहीं मनाते थे। परंतु मैं बधाई दूंगा नेहा संस्था को, उनके पदाधिकारियों को, योजकों को, क्योंकि क्या अच्छी शुरुआत करी इन्होंने। इनको चिंता जाहिर करते हुए जो हमारा लिंग अनुपात पुरुषों को और महिलाओं का जो है बहुत मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा था, उसको सुधारने के लिए एक इन्होंने मूवमेंट चलाई है बेटियों को मान सम्मान देने के लिए। अब मैं बधाई भी दूंगा अपनी सेंटर की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को और मनोहर लाल जी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आज हरियाणा में जो है जो पहले लिंग अनुपात जो मतलब काफ़ी डिफरेंस था आज वो कम होकर के 1000 के पीछे 930 हो गया। ये एक सरकार का सराहनीय काम है और इसमें जो निभा भी मतलब काम कर रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हम जो हैं इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस रह गया उसको भी पूरा करने काम करेंगे। सरकार के प्रोग्राम करने से महिलाओं के प्रति बेटियों के प्रति मान सम्मान बढ़ेगा, निश्चित तौर से जागृति बढ़ेगी, निश्चित तौर से हम इनका मान सम्मान करके लड़कों के बराबर ये काम करेंगे, आगे शिक्षा में आगे आएंगे, नौकरियों में आगे आएंगे और जब ये आगे आएंगे तो राष्ट्र के निर्माण में इनका अहम योगदान। सरकार की तरफ से देखो बहुत सी योजनाएं चला रही हैं, उनको देखिए बसों में पूरी सुविधा हो रही है, स्कूलों में इनकी फीस माफ़ हो रही है, ठीक है। जब बच्चे पैदा होती है गुड़ियाँ तो उनके लिए स्वास्थ्य की तरफ उनको उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है जन्म के टाइम पर, तो इस प्रकार की काफ़ी मतलब योजनाएँ सरकार ने चला रखी हैं। ये हमारे समाज में कई बैड एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है ना। देश बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं हो जाती है घटना, परंतु सरकार इसके प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार चिंतित है। सरकार जो है महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिले, लड़कियों को पूरी सुरक्षा मिले, वो मतलब पूरा शांति से रह सके, ऐसा मतलब प्रयास कर रही है। और जो कोई गलत काम करता है उसको कानून अपना काम करता है, सरकार उनको दंडित करने का भी काम करती है। जैसे अभी निर्भया कांड की बात है, अब जो दोषी हैं अब उनको फांसी होने जा रही है, उन्होंने अगर कानून को अपने हाथ में लिया है लड़कियों को मान सम्मान के लिए भी आगे ऐसे कर वो ना हो तो फांसी सजा होगी, उनको फांसी होने जा रही है। नहीं नशा भी हो सकता है, रोजगारी भी हो सकती है, मतलब नशा में मानता हूँ नशे की तरफ भी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। नशा जब कर जाता है उसको सोच खत्म हो जाती है, जब सोच खत्म होती है तो फिर बुरा कर्म करते उसको डर भी नहीं लगता, उसको सरकार का डर नहीं लगता, फिर पुलिस का डर नहीं होता, तो फिर इस प्रकार के घृणों ने कार्य हो जाते हैं। परंतु मेरा ऐसा सोचा है धीरे धीरे सरकार इसके ऊपर चिंता है, सरकार प्रयास कर रही है इसलिए घटना दोबारा ना हो, सरकार इसके लिए पूरे प्रयास कर रहा है। देखो मैंने अभी आप सुन भी रहे थे शायद, मैंने एक सभी से एक मैंने पूछा भी था, अभी हम सभी जो पुरुष हैं आज से हम क्या है अगर हम एक प्रेरणा लेकर के जाएँ महिलाओं को मान सम्मान देना। मैंने ये कहा था भी जब हमारे BDPO साहब भी यहाँ थे, मैंने BDO साहब से स्पेशल कहा भी BDO साहब जब आपके कार्यालय में कोई महिला काम के लिए आए आपने खड़े होकर उसको नमस्कार करना है, नमस्कार करके पानी चाय पिलाकर इसको काम भी करना है। इस प्रकार जब करेंगे तो महिलाओं को लगेगा मान सम्मान हुआ। हम सभी से मैंने ये विश्वास भी दिलाया इतने पुरुष हैं मैं इसमें खुद शामिल हैं, आज से हम महिलाओं के मान सम्मान के लिए काम करेंगे। जब महिला हमारे पास आएगी या हम बैठे हैं कहीं मीटिंग बैठे हैं और महिला आती है तो खड़े होकर के हम सभी उसका नमस्कार करके उसका अभिवादन करेंगे, इससे क्या होगा महिलाओं को लगेगा कि हमारा कोई मान सम्मान बढ़ रहा है। अच्छा बरसात हुई है उसमें कहीं ना कहीं? हाँ बरसात हुई है, मैंने अपना उसमें बोला है ये चिंता ये किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे उसमें मैंने वीडियो देखी अभी व्हाट्सएप पे आई है, उसमें काफ़ी ओला पड़ा है, भारी ओला वृष्टि हुई है, उससे निश्चित तौर से हमारे किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इसमें सब्जी भी है आलू वगैरह भी है, तो मेरा ऐसा विश्वास सरकार की तरफ से भी सरकार के लिए चिंता का विषय, सरकार इसकी तरफ से ध्यान दे करके किसानों को जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का काम करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।